बंद कर दो तो बंद बंद करो भाई। इन्हें बोलिए करन पता तो करन बोलिए जरा ये खड़े डॉगर बोलिए ना इधर आओ इन्हें बोलिए जरा इधर आओ यार चलो चालीस इकतालीस किलो तोल नहीं होते क्या बोरिंग की कभी तोल नहीं भाई। कैसा से आप उठा रहे हैं सर? आप कैसा से उठा रहे हैं सर राशन? कैसा से उठा रहे तोल नहीं होता है? अट्ठाईस साल हो गई है राशन मतलब तोल की नहीं बोरी देते हैं मतलब किसी को नहीं देते हैं। बोरी कितने की बैठ रही है? तो फिर आप लोग कैसे दे दो गांव वाले को बांटा तो होता है ऐसे जो हमको माल मिलता है जी मान लीजिए 100 क्विंटल या 200 क्विंटल जी तो उस माल को हम क्या करते हैं 10 पैकेट उसमें से जैसे इसमें इशू चल रहा है तो टाइम के अंदर खत्म करना भी है महत्वपूर्ण काम होता है तो उसमें से कोटेदार के सामने 10 पैकेट खुलवा देते हैं रेशियो आ जाता है उसी रेशियो नहीं नहीं तो यहाँ तो आरोप ये लग रहा है ना आपके बाहर जो ट्रक खड़े हुए थे इससे डायरेक्ट जो है ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा था कोटेदारों का माल। और दूसरी बात जो है आपकी बोरी का कितना वजन होना चाहिए? नहीं हमारे पास जो बोरियां आती है वो सीआई से जी बोरियों के साथ साथ मात्रा भी आती है जी 48 किलो से 46 किलो से लेकर 51-52 किलो तक बोरियां आती है। अभी जो हम लोगों ने यहाँ बोरियां तुलवाई आके हैं 41 किलो बोरी बैठी है ठीक है। अगर 41 किलो बोरी बैठती है अगर कोटेदार ले जाएगा तो फिर गाँव वालों कैसे बांटेगा? तो 41 किलो आप मेरे ख्याल से सभी बोरियां तो नहीं निकली होगी इतफाक से कोई एकाध बोरी निकल आई सभी तो 41 निकली नहीं होगी मतलब आपके यहाँ ये नहीं नहीं कुछ 51-52 भी तो निकली होगी नहीं वो बात ठीक है मेंशन नहीं करते हो नहीं वो वाली बात नहीं है मतलब 41 किलो बोरी निकली है मतलब जो कोटेदार उनका कहना है यहाँ पे कभी आज तक जो तौल नहीं कराई गई है 41 किलो की बोरी कोटेदारों को नहीं ली जाती भाई वो जैसे होता है ले आते हैं FCI से FCI हमको बोरी के साथ मात्रा भी वजन करके देती है नहीं जो फिर बता रहे हैं ना जी कभी कभी तो आधे कट्टे बोरे में डाल के भेज देते हैं वो उनका वजन पूरा होना चाहिए वो बोरी का नग पूरा होना चाहिए ये चीज मतलब FCI जो आपको डायरेक्ट बोरी भेज देती है।